वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 11th केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पार्ट 5, एंड द टॉपिक ऑफ टुडे आर रेजोनेंस, रेजोनेंस एनर्जी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के पार्ट 5 में आज हम स्टडी करेंगे टॉपिक्स रेजोनेंस, रेजोनेंस एनर्जी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। क्या है ये टर्म्स और इनका क्या है एक दूसरे से रिलेशन। रेजोनेंस, रेजोनेंस इज द फिनोमिना इन विच ए सिंगल मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मोर देन वन स्ट्रक्चर बट नन ऑफ इट इज इट्स रियल स्ट्रक्चर। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक सिंगल मॉलिक्यूल नहीं होता है, बल्कि उसके लिए हमें कई मॉलिक्यूल्स की हेल्प लेनी पड़ती है। कितने मॉलिक्यूल्स के रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टी एक मॉलिक्यूल एक्सप्लेन करता है तो दूसरी प्रॉपर्टी अदर टाइप मॉलिक्यूल, अदर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर सकता है। सो ऐसी कंडीशन में फिर टर्म यूज होती है रेजोनेंस, जिसमें कि हम किसी एक मॉलिक्यूल को एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स के थ्रू शो कर सकते हैं और उनमें से कोई भी उसका रियल स्ट्रक्चर नहीं होता है। दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स विच डिफर फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसे हम कहते हैं डिलोकलाइजेशन। ये स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, एंड इनमें डिफरेंस होता है केवल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण, जबकि एटम्स अपनी प्लेस पर ही रहते हैं। रियल स्ट्रक्चर इज द हाइब्रिड ऑफ ऑल दीज स्ट्रक्चर्स। रियल स्ट्रक्चर इन सबका हाइब्रिड है, मिक्सचर है एक तरह से। इट इज इमेजिनरी इन नेचर एंड कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड ऑन प्लेन। एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम केवल मान सकते हैं, एग्जैक्ट उसको हम शो नहीं कर सकते। देयर इज नो इक्विलिब्रियम बिटवीन द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स में आपस में कोई इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है, कोई एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं है। ऑल दीज आर सेपरेट एंड कैन बी चेंज इन टू इच अदर ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू डिफरेंस अरेंजमेंट, डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेम एटम्स। एग्जाम्पल बेंजीन, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई मोर स्ट्रक्चर वन एंड टू, जिनमें की बॉन्ड्स की पोजिशन डिफरेंट है, अपोजिट है, लेकिन ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स बेंजीन की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए यूज हो सकते हैं। बट नन ऑफ देम इज रियल स्ट्रक्चर। जो रियल स्ट्रक्चर है वो इन दोनों का एक इंटरमीडिएट टाइप का स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर, हाइब्रिड मॉलिक्यूल, रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ लुईस स्ट्रक्चर एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यहां पर हम रेजोनेंस को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और लुईस स्ट्रक्चर के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए हमें एक एग्जांपल लेना होगा। इसके अकॉर्डिंगली सिंगल लुईस स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल इज नॉट सफिशियंट टू डिस्क्राइब इट्स एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड पैरामीटर। जो भी उसकी करेक्टर्स हैं, बोन लेंथ, बोन एंगल्स, इनको सेपरेटली एक्सप्लेन करने के लिए कोई एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर नहीं दिया जा सकता, कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जैसे कि इन केस ऑफ ओजोन, इसके लिए दो स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं जिनमें की सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड की पोजीशन एक्सचेंज हो रही है। टू टाइप्स के बॉन्ड्स हैं, 148 पिकोमीटर एंड डबल बॉन्ड 121 पिकोमीटर। द नॉर्मल ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड्स आर डिफरेंट, बट व्हेन द ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन ओजोन मॉलिक्यूल इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर जब वो हमें डिटरमिन करते हैं, वो टू टाइप की ना होके सिंगल टाइप के हैं, ऑल द बॉन्ड्स आर सेम 128 पिकोमीटर, जो कि इंटरमीडिएट है 148 एंड 121 पिकोमीटर का, और ये है ड्यू टू रेजोनेंस, क्योंकि इनमें से कोई भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड ना तो प्योर सिंगल बॉन्ड है और ना ही प्योर डबल बॉन्ड है, बट दीज टू आर हैविंग वन एंड हाफ बॉन्ड करेक्टर। So bond length is intermediate of 148 and 121 picometer. According to concept of resonance, structure 1 and 2, these cannot represent all the properties and experimentally determined parameters. Similar bond lengths are because electron pairs are not concentrated between
एनी टू एटम्स बट डिस्ट्रीब्यूटेड इन मोर देन टू एटम्स। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं दो एटम्स के बीच में ना होके तीनों में ही इन्वॉल्व हो रहे हैं मोर देन टू, इसलिए कोई भी बॉन्ड प्योर सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड नहीं है। दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, दो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स को हम कोरिलेट कर सकते हैं बाय डबल हेडेड एरो एंड रेजोनेंस हाइब्रिड फ्रॉम दीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय थ्री लाइंस, थ्री डैश। इसे हम कहते हैं डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन पेयर किन्हीं दो एटम्स के बीच में ना रहकर दो एटम से ज्यादा एटम्स में जब वो इन्वॉल्व होता है, शेयर होता है, दैट इज डीलोकेलाइजेशन। कभी ये किन्हीं दो ऑक्सीजन के बीच में है तो नेक्स्ट टाइम अगले टू ऑक्सीजन के बीच में है। प्रॉब्लम स्टडी कर सकते हैं कार्बोनेट के केस में। कार्बोनेट CO3-2 आयन, जिसका स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं लुईस स्ट्रक्चर्स में। यहाँ पर दो तरह के बॉन्ड लेंथ होने चाहिए, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड। लेकिन जब हम इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करते हैं तो ये सारे बॉन्ड CO, ऑल द बॉन्ड्स आर इक्वलेंट, सभी इक्वलेंट हैं, और ये है ड्यू टू रेजोनेंस। डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बोनेट आयन इज रिप्रेजेंटेड एज, यहाँ आप देख सकते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की पोजीशन बदलती जा रही है, जिसके अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन आर चेंजिंग, दीज आर चेंजिंग फ्रॉम वन ऑक्सीजन टू अदर, एंड सो द प्योर और ओरिजिनल रेजोनेंस हाइब्रिड इज हैविंग द वन एंड हाफ बॉन्ड करेक्टर एंड ऑल द बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल। इट इज ड्यू टू डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिससे कि सारे बॉन्ड्स इक्वलेंट हो जाते हैं और कहलाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर वन, कैनोनिकल फॉर्म्स हैव नो रियल एग्जिस्टेंस, केवल ये प्रेजेंट करने का तरीका है कि वो ऑटोमेटिकली बदल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, लेकिन उनकी कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। देयर इज नो इक्विलिब्रियम बिटवीन द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, ये भी नहीं है कि दोनों स्ट्रक्चर एक साथ इक्विलिब्रियम में है। मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट फॉर ए सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ टाइम इन वन फॉर्म एंड ड्यूरिंग चेंज फ्रॉम वन स्ट्रक्चर टू अनदर एनर्जी इज रिलीज्ड। कोई भी मॉलिक्यूल एक कैनोनिकल फॉर्म में बहुत देर तक नहीं रुकता है और चेंज हो जाता है अदर फॉर्म में। जब भी वो एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर सेकेंड कैनोनिकल स्ट्रक्चर में चेंज होता है तो एनर्जी रिलीज होती है जो कि स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करती है। जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, मीन्स ओरिजिनल मॉलिक्यूल विल बी मोर स्टेबल। द मॉलिक्यूल एज सच एज है सिंगल स्ट्रक्चर विच इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द कैनोनिकल फॉर्म एंड विच कैन नॉट एज सच बी डिपेक्टेड ऑन द सिंगल लुईस स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। रेजोनेंस एनर्जी, जितने भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर, वी नो दैट कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैव डिफरेंट एनर्जीज एंड सो डिफरेंट स्टेबिलिटी, बट रेजोनेंस हाइब्रिड हैज मिनिमम एनर्जी एंड सो इट इज मोस्ट स्टेबल। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स जब एक दूसरे में इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज के कारण चेंज होते हैं तो उनकी डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी होती है एंड डिफरेंट स्टेबिलिटी होती है, लेकिन रेजोनेंस हाइब्रिड में सबसे कम एनर्जी होने के कारण सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर विद मिनिमम एनर्जी एंड द रेजोनेंस हाइब्रिड इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी का डिफरेंस कहलाता है रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। हायर द रेजोनेंस एनर्जी, हायर द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। एग्जाम्पल, बेंजीन हैज रेजोनेंस एनर्जी 51 किलो जूल पर मोल, सो इट इज हाईली स्टेबल। रेजोनेंस एंड एट्स इफेक्ट, कौन सी ऐसी पैरामीटर्स हैं बॉन्ड्स के मॉलिक्यूल्स के विच आर इफेक्टेड बाय द रेजोनेंस। नंबर वन पॉइंट, इट स्टेबलाइजेस द मॉलिक्यूल। रेजोनेंस स्टेबलाइजेस द मॉलिक्यूल एज द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड इज लेसर देन एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। रेजोनेंस के कारण मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। नंबर टू,
ड्यू टू रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ चेंजेस एंड ऑल बॉन्ड लेंथ बिकम इक्वल। रेजोनेंस के कारण बॉन्ड लेंथ बदल जाती है और सभी टाइप की बॉन्ड्स की लेंथ इक्वल हो जाती है। एग्जाम्पल, बेंजीन का कैनोनिकल स्ट्रक्चर जिसमें कि 3CH सिंगल बॉन्ड एंड 3 डबल बॉन्ड शो किए जाते हैं एंड इनकी बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए 1.54 एंड 1.34 एंगस्ट्रॉम, लेकिन एक्चुअली इट इज हैविंग बॉन्ड लेंथ, ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल 1.39 एंगस्ट्रॉम एंड इट इज ड्यू टू रेजोनेंस। बेंजीन में दो टाइप की बॉन्ड लेंथ 1.54 एंड 1.34 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए, बट एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली डिटरमिंड CH बॉन्ड लेंथ आर 1.39 एंगस्ट्रॉम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।